सुपौल सदर थाना परिसर में होली और रमजान पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां आज सुपौल सदर थाना परिसर में आष्टाधिकारी बच्ची कुमारी की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि और शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस मौके पर उपस्थित नगर परिषद मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा ने कहा कि हम लोग सुपौल जिले में बरसों से सभी त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मिलजुल कर मनाते आए हैं। सदर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने जानकारी दी कि होली और रमजान पर्व को लेकर पुलिस गश्ती को तेज कर दिया गया है, साथ ही होली में हुड़दंग करने वालों पर पैनी नजर रहेगी और सांप्रदायिक सौहार्द खराब न करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तो शांति समिति की बैठक इसीलिए होती है कि हम लोग क्या लोकल स्तर पर क्या समस्या है ये पुलिस के साथ बैठ के हम लोग साझा करते हैं बात। और जैसा कि है कि गौरवशाली इतिहास हम लोगों का है शुरू से सुपौल का, कभी कुछ हुआ नहीं है, सब शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ हर पर्व त्यौहार को मनाते हैं। उम्मीद करते हैं होली भी इसी तरह से निकलेगा। जो थोड़ा बहुत पेट्रोलिंग वगैरह की बात थी जो हम लोगों ने सलाह दिया थाना प्रभारी महोदय को, अपना स्तर से देख लेंगे। ए भाई सुनिए, देती है जिंदगी कभी रोते हुए छोड़ देती है जिंदगी, न पूर्ण विराम सुख में न पूर्ण विराम दुख में, बस जहां देखो वहां अल्प विराम छोड़ देती है जिंदगी। प्यार की डोर सजाए रखो, दिल को दिल से मिलाए रखो, क्या लेकर जाना है साथ में इस दुनिया से, मीठे बोल और अच्छे व्यवहार से सभी पर्वों को मनाते रहो, यही आज होली के अवसर पर हम अपनी बात को रखते हैं। और सभी सबसे पहले तो होली के अवसर पर पूरे सुपौल शहरवासियों को, सुपौल थाना क्षेत्रवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना बधाई। आज शांति समिति के बैठक में लोगों से विचार विमर्श किया गया, जहाँ जहाँ सेंसिटिव जगह है वहाँ पर मैंने पहुंचकर इंतजाम किया। हमारी गश्ती टाइट रहेगी, उसमें कुछ हुड़दंग करने वाले पर सख्त नजर रहेगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि होली शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाए। प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया है, जगह जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है और दोनों ही पर्व को हम लोग बारीकी से नजर रखते हैं। सूचना मिलता है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं।